Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths today, we are going to start a new chapter, a new topic, and that is fraction. So students, let's start. Now first of all, we will see that what is a fraction. Fraction hota kya hai? So students, fraction means part of one whole. ये एक कोई चीज है, सर्कल है. कौन सा शेप है? सर्कल. तो इसका एक पार्ट क्या क्या बोलेंगे हम वन पार्ट को? फ्रैक्शन. जब हम इस पूरे को बांट देंगे, जैसे कि अभी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टू. या फिर अब कितने पार्ट्स हो गए? फोर. तो इसको क्या कहेंगे हम? फ्रैक्शन. कि हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया है, फ्रैक्शन कर दिया है. Fraction means part of one whole. As I have told you earlier also, that अब यहां पर एक circle है, इसको हमने two parts में divide कर लिया. या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक pizza है. क्या है? Pizza है. अब हमने इसमें से one part निकाल लिया और हमने उसे खा लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जो पार्ट हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन. और यू कैन से लाइक, ये था आपका वो पिज्जा, आपने ये वन पार्ट इसमें से निकाल लिया और आपने इसे खा लिया. तो आपने वन पार्ट क्या है? खा लिया. और टोटल पार्ट्स कितने हैं? वन, टू, थ्री एंड फोर. तो आप नीचे लिखेंगे फोर. तो ये जो फॉर्म है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. नाउ लेट अस सी. ये कौन सी शेप है? स्क्वायर. कौन सी शेप है? स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. इक्वल क्या होती हैं? इक्वल. ये कौन सी शेप है? सर्कल. ट्रायंगल. And the last one is rectangle. Now we will see equal and unequal parts. Now let's see that what are equal parts and what are unequal parts. We can divide each of the above shapes into equal or unequal parts. अभी हमने कितने shapes देखे थे? Four shapes देखे थे. और वो shapes कौन कौन से थे? Square, circle, triangle and rectangle. तो हम इन चारों shapes को equally भी divide कर सकते हैं और unequal parts में भी divide कर सकते हैं. Equal मतलब आप सभी को पता है इक्वल क्या होता है, और अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं होता. नाउ लेट अस सी कि हम कैसे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. ये क्या है? स्क्वायर है. एक अच्छा सा स्क्वायर बनाते हैं दोबारा से.
अगर मैं इसे डिवाइड करूं इक्वली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब देखिए, मैंने इसे बीच में से डिवाइड कर दिया है, दोनों साइड इक्वल है, ओके। और अगर अब मैं कहूं कि इसे अनइक्वल, अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं होता, तो क्या ये इक्वल है? ये वाली साइड यहां से ज्यादा है, तो क्या ये इक्वल होगी? नो, ये इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, दीज आर टू सर्कल्स, ये वाली इसमें जो हमने डिवाइड किया है, क्या ये इक्वल है? यस, ये इक्वल है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है। लेकिन क्या ये वाली शेप इक्वल है? नो, हमने इस शेप को इक्वली डिवाइड नहीं किया है। ये क्या है? कम है और ये ज्यादा है, तो क्या ये इक्वल है? नो, अनइक्वल। Now next is, अब इसमें से इक्वल कौन सा है? ये वाला, और ये क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि यहां जो हमने डिवाइड किया है इस शेप को, उसमें एक पार्ट क्या है, बहुत छोटा है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और जो ये वाला शेप है ट्रायंगल का, इसमें हमने इक्वली डिवाइड किया है, मतलब ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, मतलब बिल्कुल बराबर है। इक्वल मतलब बराबर होना, और अनइक्वल मतलब बराबर न होना। And last shape is rectangle. I hope कि आपको equal and unequal parts बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। And now as you can see, ये वाला equal है और ये equal नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट जो हमने इसमें डिवाइड किया है रेक्टेंगल को, उसके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, ओके? अब एक स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट। आपके पापा कहाँ गए? मार्केट गए। मार्केट से पापा क्या लाए हैं? एक चॉकलेट। क्या लाए हैं? चॉकलेट। और ये चॉकलेट लाकर वो चॉकलेट लाए किसके लिए हैं? अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए लाए हैं, ओके। और उन्होंने अब ये चॉकलेट को क्या किया, उन्होंने अभी चॉकलेट दे दी एक छोटे बेटे को, और उससे क्या कहा कि अब आप इस चॉकलेट को अपने दूसरे भाई के साथ क्या करो, बांट के खा लो, इक्वली बांटो और खा जाओ, ओके? तो अब एक बात आप बताइए, ये है आपकी चॉकलेट, ओके? अब इक्वली बांटनी है तो वो भाई क्या करेगा? अगर वो ऐसे अपने भाई को देगा तो ये कौन से पार्ट्स हुए? ये तो इक्वल हुआ कि जितना वो खुद खा रहा है उतने ही अपने भाई को भी दे रहे, बराबर है, तो ये क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। बट अगर उसने क्या किया, इस चॉकलेट में से इतना सारा खुद खा गया और इतना कम उसने अपने भाई को दिया, तो ये तो चीटिंग है, और ये उसने इक्वली डिवाइड किया भी नहीं है, तो उसका भाई क्या बोलेगा? आप तो ज्यादा खा रहे हो, आपने मुझे कम दी है, आपने बराबर नहीं बांटा है। तो जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है?
अनइक्वल। नाउ वी विल डू वन हाफ। वन हाफ, वन हाफ मतलब हाफ मतलब आधा। नाउ लेट अस सी वन हाफ होता क्या है। व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ। जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। तो जब हम किसी भी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चॉकलेट को टू इक्वल पार्ट्स में बांटना था, एक पार्ट एक भाई को खाना था, दूसरा पार्ट दूसरे भाई को खाना था। तो जब हम किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, वन हाफ। नाउ ये क्या है, एक समोसा है। ओके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर एक समोसे का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस समोसे को हमने टू इक्वल पार्ट्स में बांटा है। ये इक्वल पार्ट्स हैं, वन पार्ट ये है और वन पार्ट ये है, यस और नो। तो जब हम किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो उसका ईच पार्ट क्या होता है, हाफ। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिखने का ट्राई करते हैं। कितने पार्ट्स हैं टोटल, वन एंड टू। तो आप टू को नीचे लिखेंगे और ईच पार्ट ये कितना है, ये सिर्फ वन पार्ट है, तो हाफ। आपने इस समोसे में से सिर्फ हाफ पार्ट ही तो अपने पास रखोगे, पूरा खा जाओगे। अगर आपने समोसे के टू पार्ट्स किए हैं, वन आप अपने भाई को दोगे और हाफ पार्ट आप अपने पास रखोगे, मतलब आधा आप अपने पास रखोगे। तो कितने पार्ट्स थे टोटल, टोटल पार्ट्स थे वन एंड टू। तो हम टू नीचे लिखेंगे और आपने वन पार्ट क्या किया, अपने भाई को दे दिया। ये वाला पार्ट अपने आपने अपने भाई को दे दिया, तो आप वन लिखेंगे ऊपर। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ओके और वन बाई टू को हम क्या भी कहते हैं, हाफ भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इसको मैंने इक्वली बांटा है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बांट दिया, टू। अब इसका ईच पार्ट मतलब जो हर पार्ट है वो कितना होगा, ये कितना है, ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट है, तो वन को हम लिख देंगे ऊपर, हाफ। ये क्या लिखा है यहाँ पर, हाफ। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। So students, you have to do question number 1, 2 and 3 which is on page number 104 and 105 in your maths book. Question number 1, 2, 3 which is on page number 104 and 105 in your maths book. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.